कौन से फैक्टर्स है जो प्रूव करते हैं अंतिम फिल्म के डायरेक्टर के तौर पे महेश मांजरेकर से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था? अंतिम फिल्म में ओरिजिनल मराठी फिल्म की स्क्रिप्ट में क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे? एक बड़ा ही फेमस कोट किसी ने कहा है कि कोई एक्टर या आर्टिस्ट अच्छा बुरा नहीं होता, बल्कि उसकी कास्टिंग अच्छी बुरी हुआ करती है। कंपेलिंग सिनेमा बनाने के इस कॉम्पिटिशन में आधी जंग तो कास्टिंग टेबल पर ही जीती जा सकती है, और अगर आप अपने कार्ड सही से खेले तो फिल्म की सक्सेस पक्का 100% समझो। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमने सुने हैं और देखे हैं जहां स्टोरी तो अच्छी थी लेकिन बैड कास्ट एंड क्रू चॉइस ने उस स्टोरी की एसेंस का मर्डर करके रख दिया। तो वहीं सभी सुपरहिट फिल्मों का गुड राज छुपा ही है एक्यूरेट कास्टिंग चॉइस में। इसी अंतिम सत्य को ध्यान में रखते हुए आज जानते हैं कि कैसे अंतिम के लिए कम से कम डायरेक्टर चॉइस में तो मेकर्स ने एक परफेक्ट दाव खेला है। बने रहिए अपने दोस्त और होस्ट श्रुति के साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज की खास पेशकश में। अंतिम द फाइनल ट्रुथ को ये अंतिम नाम और कास्ट मिलने के लिए काफी ट्रायल एंड एरर का सामना करना पड़ा था। मुल्शी पैटर्न के इस हिंदी रीमेक के राइट सलमान ने तो ले लिए थे सिर्फ आयुष शर्मा को ये रोल दिला सके। तो सिर्फ बिगनिंग से आयुष ही कॉन्स्टेंट है, बाकी सारे रोल्स में जगलिंग चलती रही। कभी सिख कॉप के लिए SRK के दरवाजे पहुंचे तो कभी डायरेक्शन के लिए अभिराज मीनावाला के पास गए, लेकिन दोनों ही जगह बात नहीं बनी, जो कि एक तरह से सही भी रहा, क्योंकि कम से कम डायरेक्टर के लिए जिस मास्टर को अब चुना गया है इस गैंगस्टर रीमेक में, उनसे ज्यादा जस्टिस कोई और कर ही नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मराठी मानुस महेश मांजरेकर की, जिन्हें अंततः अंतिम की डायरेक्शन बागडोर थमाई गई। और इस चॉइस को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक वैलिड आर्ग्यूमेंट भी है। पहला तो ये कि स्टोरी का बैकड्रॉप है महाराष्ट्र पर बेस्ड, और बीइंग मराठी महेश यहाँ की नब्ज जानते हैं। बेसिकली हर एक टाउन और एरिया की अपनी एक अलग वाइब और एनर्जी होती है, जिसे परफेक्टली ऑन स्क्रीन पोर्ट्रेल करने के लिए आपको वहाँ काफी टाइम बिताना पड़ता है, और यहाँ तो हमें उसी बैकड्रॉप में पला बड़ा आर्टिस्ट मिल रहा है। दूसरा फैक्टर महेश की एबिलिटी डार्क कॉमेडी, इमोशनल कोशेंट और वायलेंस सीन्स को परफेक्टली पोर्ट्रे करवा पाने की है। और जैसा कि हमें पता है कि मुल्शी पैटर्न मेजरली इन्हीं तीन इमोशंस पे रिलाई करता है, तो अनडाउटली रीमेक भी यही इमोशन डोमिनेंट होने वाली है। तो वहीं महेश के इन इमोशंस को एफर्टलेसली पोर्ट्रे करने की कला हमने इनकी फिल्म नट सम्राट और वास्तव में देख ही ली है। तो अब आ जाते हैं सलमान खान के कॉप रोल पार्ट पे। वैसे तो ये डिसीजन बड़ा फैमिली प्रो रहा और सलमान ने सो कॉल्ड साइड रोल एक्सेप्ट किया है, लेकिन अंतिम फिल्म में ऐसी कुछ मेजर चेंजेस किए गए जो इस तरफ इशारा करते हैं कि भाईजान अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करना चाहते हैं। जब फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनलाइज की गई तो सलमान ने रोल को दो शर्तों पे कबूल किया। एक तो कॉप का 20 मिनट एक्सटेंडेड कैमियो से बढ़ाकर एक फुल फ्लेज 90 मिनट रोल कर दिया जाए, जो कि ओरिजिनल में नहीं था। और दूसरा, सलमान और आयुष की कैरेक्टर को कन्फ्रंटेशन की रूथलेसनेस और ड्यूरेशन दोनों को बढ़ाई जाए, जो भी ओरिजिनल में नहीं था। ऐसे मेजर चेंजेस से ये डर भी बजा हुआ है कि कहीं ओरिजिनल फिल्म की एसेंस कहीं खो ना जाए, लेकिन शायद सलमान को सिर्फ अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को जस्टिफाई करने की ही पड़ी है। ये चेंजेस कितना फिल्म पे असर करेंगे ये तो आने वाले वक्त ही बताएंगे, लेकिन तब तक आप अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।